न्यायालय पर हम लोग को पहले से ही भरोसा था कि न्यायालय में हम लोग को न्याय मिलेगा। आज की न्यायालय प्रक्रिया के तहत जो साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने हमको बरी किया है, न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। तेजस्वी के विधायक यानी आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन को आज हाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बेइज्जत बरी कर दिया है। दरअसल पूरा मामला जो है वो 2020 का है, जहां महनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां बिना परमिशन के हजारों सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली निकालना और इतना ही नहीं लॉकडाउन का जो है उल्लंघन करना, आचार्य संहिता का उल्लंघन करने का आरोप जो है वो मुकेश रोशन पर लगा था, जिसके बाद आज हाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य की कमी के वजह से मुकेश रोशन को बाइज्जत बरी किया है। तो देखिए, हाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के से जब बाहर निकलकर आ रहे हैं मुकेश रोशन, तो किस तरह से उनके समर्थक कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं और उनका जो है उन्हें वेलकम करने के लिए उनके समर्थक कोर्ट के सामने खड़े हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश रोशन, उनकी बातों को सुनवाते हैं। तो देखिए, पूरा मामला दरअसल 2020 का है, जब महनार थाना क्षेत्र में ये केस जो है वो दर्ज हुआ था, जब बिना परमिशन के जो है मुकेश रोशन ने हजारों सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली निकाली थी, वो भी बिना परमिशन के, और इतना ही नहीं उनके ऊपर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का, आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। क्या कुछ कह रहे मुकेश रोशन, और साथ ही साथ वो तस्वीरें दिखाते हैं हाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के सामने से, जहां देखिए उनके समर्थक मौजूद हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और अभी जो उन्हें घूम रहा है, आप इन्हें घूम रहे हैं, मतलब एक आदमी दाहिने एक आदमी बाएं, मतलब कि चुनाव लड़ना चाहते थे और इसी कारण कुछ इनको विरोधियों ने सभ्यत रचा ताकि ये बनार से चुनाव नहीं लड़ सके, और ये गलत प्रोसेशन लाया इनके खिलाफ बिना अनुमति के, ये प्रोसेशन 10-20 गाड़ी के साथ प्रोसेशन निकाल कर वहाँ गए थे, जबकि उस समय कोविड का समय था और गाइडलाइन का इन्होंने फॉलो नहीं किया, बिल्कुल ही गलत मनगढ़ंत आरोप के साथ प्रोसेशन लाया गया था। एक फॉल्स सीडी भी तैयार किया गया था, उसको कोर्ट में लाया भी गया था, लेकिन चूंकि वह एज पर लॉ नहीं था, सेक्शन 65 सब क्लॉज 2 के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता था, इसलिए कोर्ट ने उसको कंसीडर नहीं किया, उसकी एविडेंस नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया, और वकील कोई ठोस एविडेंस इनके खिलाफ नहीं पाया था, इसलिए आज इनको न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। न्यायालय पर हम लोग को पहले से ही भरोसा था कि न्यायालय में हम लोग को न्याय मिलेगा। आज की न्यायालय प्रक्रिया के तहत जो साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने हमको बरी किया है, और न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं।